देवेंद्र सिंह राणा जो कि कद्दावर नेता आज हमारे बीच नहीं रहे हैं, लेकिन श्रद्धांजलि के तौर पर कुछ शब्द उनके लिए ज़रूर यहाँ पर रख सकते हैं। फिलहाल शुरुआत करेंगे बड़ी अपडेट के साथ ही। देखिए, आज जिस तरह से पंचतत्व में विलीन हुए हैं देवेंद्र सिंह राणा, और पूरा जम्मू कश्मीर इस वक्त शोक में डूबा हुआ है कि आखिर ये जम्मू कश्मीर के अंदर क्या घटा। पंचतत्व में विलीन हुए हैं बीजेपी विधायक देवेंद्र सिंह राणा। देवेंद्र सिंह राणा की अंतिम यात्रा में भारी भीड़ उमड़ी और उनके साथ साथ आपने देखा कि उनके चाहने वाले किस तरह से नम आंखों से अंतिम विदाई के लिए भी पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत कई दिग्गजों ने गहरा दुख यहां पर जताया कि आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी कद्दावर नेता इस दुनिया से अलविदा कह गए। लेकिन उस बीच में सबसे बड़ी जो शख्सियत है वो उनके, आपने देखा आम लोगों के सामने किस तरह की रही, क्योंकि आम लोगों की मसीहा के तौर पर वो काम करते नजर भी आए। साल 1965 में उनका जन्म हुआ और डोडा जिले में एक डोगरा परिवार से वो ताल्लुक रखते थे। ये पूर्व नौकरशाह राजेंद्र सिंह राणा के बेटे हैं और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के भाई भी। एनआईटी कुरुक्षेत्र से सिविल इंजीनियरिंग की इन्होंने डिग्री हासिल की, बिजनेस में अपना कदम रखा। इतना ही नहीं, उन्होंने खुद की ऑटोमोबाइल कंपनी की स्थापना की, करोड़ों रुपए की जामकेश विकलेट्स ग्रुप और केबल टीवी चैनल की शुरुआत भी की और जम्मू कश्मीर में एक बड़े एंटरप्रेन्योर के तौर पर उभर कर भी सामने आए। देवेंद्र सिंह राणा की राजनीतिक करियर की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उन्होंने शुरुआत की और यहां पर वो एक अहम रणनीतिकार के तौर पर उभर कर सामने आए थे। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से एक्स पर पोस्ट किया, उन्होंने लिखा कि श्री देवेंद्र सिंह राणा की तरफ से जिस तरह से लोगों के लिए काम किया गया वो सराहनीय था, लेकिन आस्क में निधन जिस तरह से हुआ है उससे मैं स्तंभ हूँ। और वे एक वरिष्ठ नेता थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर की प्रगति के लिए लगन से काम किया। उन्होंने हाल ही में विधानसभा चुनाव जीता था और जम्मू कश्मीर में भाजपा को मजबूत बनाने में भी उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी। दुख की इस घड़ी में मैं, मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और उनके साथ, यहाँ पर आप देखिए किस तरह से हैं, यानी कि परिवार के साथ संवेदनाएं उन्होंने व्यक्त की। उनके साथ साथ अमित शाह की तरफ से भी एक्स पर पोस्ट किया गया, उन्होंने भी इसी तरह से संवेदना जो है वो व्यक्त की। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक करियर की हम बात कर रहे थे, जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए अपनी पहली कोशिश जिस तरह से राणा ने नगरोटा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, आम लोगों के लिए काम करने की कोशिश की, लेकिन उस बीच में दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार समर्थकों के साथ हैं। और जिस तरह से बड़ी बातें उन्होंने यहाँ पर भी कही, लेकिन एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाना चाहेंगे कि उन्होंने अपने पूरे करियर में किस तरह से काम किया, आम लोगों की जिंदगी में वो किस तरह से अपना घर जो है वो करते चले गए, क्योंकि जिस तरह उन्होंने अपना घर उन लोगों के दिलों में बनाया वो देखते ही बन रहा था। एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के कद्दावर नेता का निधन। देवेंद्र सिंह राणा ने दुनिया को कहा अलविदा। देवेंद्र सिंह राणा के निधन से शोक की लहर। अंतिम दर्शन करने उमड़ी भारी भीड़। लाखों दिलों में राज करने और जम्मू के लाल माने जाने वाले और बीजेपी के कद्दावर नेता देवेंद्र सिंह राणा अब हमारे बीच नहीं रहे। दिवाली की देर रात उनका निधन हो गया। फरीदाबाद के एक अस्पताल में इलाज के दौरान आखिरी सांस ली। उनके निधन की खबर सुनते ही सियासी गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, सीएम उमर अब्दुल्ला समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने गहरा दुख जताया है। मनोज सिन्हा, एलजी जम्मू कश्मीर। देवेंद्र सिंह राणा के असामयिक निधन के बारे में जानकर मुझे गहरा दुख हुआ है। उनके निधन से हमने एक देशभक्त और व्यापक रूप से सम्मानित नेता खो दिया है, जो जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध थे। मैं उनके परिवार और दोस्तों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। ओम शांति। उमर अब्दुल्ला, सीएम जम्मू कश्मीर। देर रात की भयानक खबर वास्तव में कम नहीं हो रही है। मैं जानता हूं कि पिछले कुछ वर्षों में हमारे बीच मतभेद रहे हैं, लेकिन मैं उन मौज मस्ती के पलों पर ध्यान केंद्रित करना पसंद करता हूं जो हमने एक साथ बिताए थे।
जो उत्कृष्ट काम हमने एक साथ किया था और याद है, आपको बहुत जल्द ही हमसे छीन लिया गया और आपकी याद आएगी। अब आपकी आत्मा को शांति मिली। मैं आपके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, क्योंकि मैं उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए शब्द ढूंढने में संघर्ष कर रहा हूं। रमन भल्ला, कांग्रेस नेता, नगरोटा के विधायक श्री देवेंद्र सिंह राणा जी के परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं, जिन्होंने कल अंतिम सांस ली। ईश्वर से दिवंगत आत्मा को स्वर्ग में शांति प्रदान करने और परिवार को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। रविंद्र रैना, बीजेपी अध्यक्ष, जम्मू कश्मीर। मेरे परम मित्र श्री देवेंद्र राणा जी के आकस्मिक निधन का अत्यंत दुख समाचार सुनकर स्तब्ध हूं, आहत हूं। श्री राणा जी जम्मू की बुलंद आवाज के रूप में जाने जाते थे। उनके निधन से पूरे जम्मू कश्मीर को अपूर्णीय क्षति हुई है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को मोक्ष प्रदान करे। ओम शांति। देवेंद्र सिंह राणा के निधन पर बीजेपी ही नहीं बल्कि सभी दलों के नेताओं ने गहरा दुख जताया है। दरअसल देवेंद्र सिंह राणा ने अपने जीवन में आम जनता के हित में भी कई बड़े काम किए, जिससे आम जनता भी उनसे बेहद प्रभावित रही। 2022 से पहले देवेंद्र सिंह राणा नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी रहे, जो उमर अब्दुल्ला के बेहद करीबी थे। अपनी राजनीतिक करियर में भी राणा का अलग अंदाज और मिलनसार नेता के रूप में रहा है। राणा का राजनीतिक सफर। बीजेपी के दिग्गज नेता पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े थे, उमर अब्दुल्ला के बेहद करीबी थे। 2011 में नेशनल कॉन्फ्रेंस में जम्मू संभाग के अध्यक्ष रहे, पिछली बार सीएम उमर अब्दुल्ला के सलाहकार रहे। 2022 में देवेंद्र सिंह राणा बीजेपी में शामिल हो गए। प्रभावशाली व्यक्ति, बिजनेस में बड़ा नाम। हाल में नगरोटा से बीजेपी विधायक बने, नगरोटा से दर्ज की थी सबसे बड़ी जीत। पूर्व ब्यूरोक्रेट राजेंद्र सिंह राणा के बेटे, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के भाई, जम्मू कश्मीर में निजी कार बाजार को बदला, उत्तर भारत में मारुति के शीर्ष कार विक्रेता, टेक वन टीवी की स्थापना की जो आज भी चल रहा है। देवेंद्र सिंह राणा के निधन से बीजेपी को बड़ी क्षति हुई है, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। देवेंद्र सिंह राणा के अंतिम दर्शन करने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे और उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। साथ ही दिग्गजों ने गहरा दुख जताते हुए परिवार को दुख सहन करने और ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति देने की प्रार्थना की जा रही है। ऐसे में जेके मीडिया ने भी उनके निधन पर गहरा दुख जताते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। लोगों की उम्मीद इनसे रही हमेशा, लेकिन अब किस तरह से वो उम्मीद पूरी होगी ये बड़ी बात है, क्योंकि जब आज नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग इनके घर पहुंचे, उन्होंने कहा कि लीडर तो बहुत आएंगे लेकिन इस तरह का लीडर नहीं आएगा। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। आदर्श गुप्ता जी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। दिनेश मल्होत्रा जी हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। आदर्श जी, जिस तरह से आज बड़ी क्षति ही से कहा जाएगा, क्योंकि चाहे वो बिजनेस के लिहाज से हो या फिर राजनीतिक के लिहाज से हो या फिर जनता के लिहाज से हो, क्योंकि आम लोगों की दिलों के अंदर घर बनाना सबसे बड़ी बात है, जिसमें जीत मिली थी देवेंद्र सिंह राणा को। आदर्श आशा जी, बहुत दुख समाचार है, बहुत दुख समाचार है, और ये किसी एक राजनीतिक पार्टी का नहीं बल्कि पूरे जम्मू के लिए दुख की बात है। जम्मू का एक बहुत बड़ा नुकसान है। अभी दिवाली की रात चल रही थी, अभी पूजा करके हटे थे, वैसा ये दुख समाचार हमें मिला। ठीक है, जब तक वो पॉलिटिक्स में है, एक दूसरे के विरुद्ध भी लोग की बात करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन रविंद्र सिंह राणा जिस तरह से उन्होंने अपना करियर शुरू किया, बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस से वो आगे बढ़े, पॉलिटिकल करियर स्टार्ट किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस में गए, बाद में भारतीय जनता पार्टी में आए, लेकिन जब तक वो
जम्मू के किसी भी पार्टी में रहे इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग इनके साथ इतना प्यार करते हैं, वो आज सामने से दो किस तरह से लोग रो रहे थे वहां पे, विलक विलक कर रो रहे थे, कहते हैं नेता हमें नहीं मिलेगा। जम्मू की एक बहुत बड़ी आवाज थी, बुलंद आवाज, जो हम कहते हैं कि बार बार हमने कहा है आपके चरण में, बहुत बार कहते हैं पंडित प्रेमनाथ जी डोगरा के बाद जम्मू को कोई ऐसा नेता नहीं मिल रहा, लेकिन देवेंद्र सिंह राणा के ऊपर लोगों ने उम्मीदें लगाई हुई थी, उन्हें लग रहा था कि जम्मू की एक बहुत बड़ी आवाज बनकर उभरेंगे। और ये सच भी है, जब भी कभी जम्मू की जरूरत पड़ी, जम्मू को जरूरत पड़ी, तो उसकी एक बड़ी आवाज बनकर निकले, वो आवाज बनकर सामने आए, जम्मू जम्मू का नारा दिया, हर बात पे वो सामने आए, हर वक्त जम्मू के किसी के काज पे सामने आए, बिना ये देखे से, बिना ये सोचे, ये बिना सोच समझे कि आने वाला व्यक्ति किस पार्टी से है, उसका तल्लक भारतीय जनता पार्टी से है, नेशनल कांग्रेस से है, समाज समुदाय से, आशा जी हर चीज से ऊपर उठकर हमेशा उन्होंने काम किया। दिनेश जी, बिल्कुल बिल्कुल। दिनेश जी, आशा जी, ये बहुत बहुत कठिन समय है, सिर्फ जम्मू संभाग की बात नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर की बात है। मुझे लगता है कि लीडर 3 सालों में एक पैदा होता है, एमएलए बड़े बनते हैं, एमएलए अभी 90 बने हैं, मैं बड़ी ब्लंटली बात करूंगा, तो इन 90 एमएलए मुझे लगता है लीडर सिर्फ 3-4 ही हैं। तो लीडर तैयार करना बहुत मुश्किल होता है, और देवेंद्र राणा एक सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन थे सबके लिए, कैसे उन्होंने अपना पहले एम्पायर खड़ा किया बिजनेस में, और वो कैसे लीडर बने, मतलब नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की मैं बात करूं तो मैं आशा जी ये ज्यादा से कहता हूं कि देवेंद्र राणा जिस मर्जी पार्टी से चुनाव लड़ते, बीजेपी की बात नहीं है, वो जिस मर्जी पार्टी से चुनाव लड़ते, वो चाहे मतलब किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ते, वो चुनाव जीत जाते, क्योंकि उनका नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में इतना इन्फ्लुएंस था, इतना लोगों का प्यार था, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड कलर, ये देवेंद्र राणा एक सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन है सभी पॉलिटिशियंस के लिए जो पॉलिटिक्स करते हैं, कि कैसे पॉलिटिक्स की जाती है, कैसे गरीब लोगों का मसीहा बना जाता है। मैं उनके बारे में खासतौर नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग जो जिनके मैं इन टच हूँ, देवेंद्र राणा ऐसे लोगों के साथ इन टच थे, बिल्कुल गरीब लोग थे उनके साथ वो इन टच थे, तो ये जम्मू का सिर्फ जम्मू का नुकसान नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर का नुकसान है, पूरे उस मतलब एक ब्रीड का नुकसान है जो पॉलिटिक्स करना चाहती है। लीडर और एमएलए में बहुत फर्क होता है, ये देवेंद्र राणा लीडर थे, आज अगर 90 एमएलए हैं तो 90 एमएलए मुझे लगता है कि सिर्फ 4-5 ही लीडर होंगे, बाकी सब किसी पार्टी की वजह से जीते हैं या अपने मतलब अब क्या कहें जो भी बात है, लेकिन देवेंद्र राणा एक लीडर थे। और बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, हमने तो देखा नहीं कभी, कहते हैं कि गजरीलाल डोगरा लीडर थे, पंडित प्रेमनाथ डोगरा लीडर थे, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि हमने अपनी राम शर्मा और उनके बाद में कोई लीडर जम्मू में पैदा हुआ देवेंद्र राणा थे, ऐसा और कोई लीडर ऐसा पैदा नहीं। आदर्श जी, लीडर तो बहुत आएंगे लेकिन देवेंद्र सिंह राणा की तरह कोई नहीं होगा। और नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग आज रोते रोते ये बात कह भी रहे थे, वो कह रहे हैं कि लीडर बहुत आएंगे हमारे पास लेकिन इनकी तरह कोई नहीं होगा। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को छोड़ा गया उस वक्त उन्होंने कहा कि जम्मू की आवाज़ को उठाने वाला कोई नहीं था, और अब मुझे ये लग रहा था कि आवाज़ को उठाना बहुत ज़रूरी है, जम्मू के लोगों की आवाज़ बनना ज़रूरी है, पार्टी इम्पोर्टेंट नहीं है, लोग इम्पोर्टेंट हैं। आप याद कर रहे होंगे उस बयान को। अच्छा जी, जिस तरह से दिनेश जी ने कहा कि उन्होंने सुना है गजरीलाल डोगरा जी के बारे में, पंडित प्रेमनाथ डोगरा के बारे में, और उसके बाद पंडित रोजनाथ जी के बारे में, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा, इन सबको अच्छी तरह से कवर किया, देखा हुआ है, सचमुच इनके बाद किसी जम्मू के नेता की आवाज को बनकर दिखाई दे रहा था तो देवेंद्र सिंह राणा ही थे। आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की, इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ दी, भारतीय जनता पार्टी में चले गए, मतभेद थे नेशनल कॉन्फ्रेंस का, लेकिन आज तक ना तो उमर अब्दुल्ला ना इन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला कि हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मतभेद क्यों थे, हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों छोड़ी, और ना ही इनको उमर अब्दुल्ला ने कभी कहा कि वो क्यों छोड़कर चले गए, उन्होंने ये किया, यहाँ से एक पार्टी से दूसरी पार्टी जाता है 50 बातें उसके बारे में कही जाती हैं, ये उसके बुराइयाँ बताई जाती हैं, अच्छाइयाँ नहीं बताई जाती,
लेकिन ना इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में बात की, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी इनके बारे में बात की। जहाँ तक डिलिमिटेशन की बात आई, नगरोटा में सभी यही कह रहे थे कि डिलिमिटेशन के बाद अब नगरोटा की सीट इनके लिए सेफ नहीं रही है देवेंद्र सिंह राणा के साथ। और जिस तरह से हमारे दोस्त ने कहा कि वो किसी भी पार्टी से वो खड़े हो जाते तो वो नगरोटा से जीत सकते थे, उन्होंने जीत के साबित करके दिखाया। दिनेश जी, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को उन्होंने छोड़ा, क्योंकि एडवाइजर थे मुख्यमंत्री के, रही हैं वो अपने समय पर, और राइट हैंड भी उमर अब्दुल्ला के रहे हैं, लेकिन जब छोड़कर बीजेपी पार्टी में चले गए और उसके बाद जिस तरीके की पैठ उन्होंने बीजेपी पार्टी में बनाई, जेपी नड्डा के करीबी हो गए, सीनियर लीडर्स जितने भी थे उनके करीबी हुए, हिमाचल प्रदेश का उन्हें प्रभारी बनाया गया। अमूमन जब हम भी फील्ड में काम करते हैं दिनेश जी, जब आप किसी भी फील्ड में जाते हैं आपको पहले एक्सपीरियंस होना जरूरी है, नई डिपार्टमेंट में जब आप जाते हैं, नई जगह पर जब आप जाते हैं, तो वहां पर इतनी जल्दी आप प्रमोट नहीं होते हैं, आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको आगे पहुंचने के लिए काम करना पड़ता है। लेकिन देवेंद्र सिंह राणा ने वो जगह अपनी भारतीय जनता पार्टी के अंदर बनाई, जिसके तौर पर देखिए आशा जी, जो देवेंद्र सिंह, देखिए जो देवेंद्र सिंह राणा थे ना, ऐसे लोग करोड़ों में एक पैदा होते हैं, क्योंकि मैंने उनसे एक बार आज से 10 साल पहले की बात कर, मैं रोकूंगी आपको यहाँ पर, फंक्शन में मिला। दिनेश जी मैं रोकना चाहूंगी आपको, छोटी सी एक ब्रेक लेंगे, वापस लौट रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए दिनेश जी अपनी बात पूरी कीजिए। मैं आशा जी आपको एक बात करता हूँ कि आज से कुछ 8-10 साल पहले की बात है, मैं एक फंक्शन में उनको मिला। फंक्शन में क्या ऐसे बात कर रहे थे, तो उस समय सुबह के 11 बजे का टाइम था, तो देवेंद्र सिंह राणा जी ने एक ऐसी अखबार के एडिटोरियल की डिस्कस किया मेरे साथ, जो अखबार बहुत बड़ा अखबार है मतलब देश का, लेकिन उस अखबार का एडिटोरियल कोई पॉलिटिशियन नहीं पढ़ता होगा, लेकिन वो पढ़ते थे। उन्होंने कहा उस एडिटोरियल में ये आया, तो मुझे लगा यार ये पॉलिटिशियन नहीं है, ये मतलब ऐसे लोग ना करोड़ों में, मैं करोड़ों में एक पैदा होता है जिसको इंटेलेक्चुअल, इतने हाई लेवल के इंटेलेक्चुअल और ग्राउंड लेवल के पॉलिटिशियन। अभी अप्रैल मार्च में हमने एक बुक रिलीज का फंक्शन था प्रेस क्लब में, तो मैं इनके पास गया तो मैंने कहा कि बुक रिलीज करनी है, किसी की बाहर का कोई बंदा था, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बुक रिलीज करूंगा। लेकिन जब ये फंक्शन में आए, इन्होंने 45 मिनट्स इतना इंप्रेसिव बोला, मैं समझ नहीं पाया कि ये इंसान इतना मतलब ग्रास रूट लेवल का पॉलिटिशियन और इतनी इसको नॉलेज है। तो मैं तो इनका कायल था, ठीक है पॉलिटिकल डिफरेंसेस, ये पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, बीजेपी में आए, लेकिन ऐसा पॉलिटिशियन, ऐसा इंटेलेक्चुअल करोड़ों में एक पैदा होता है। और ये जम्मू कश्मीर की बात नहीं, पूरे देश के लिए नुकसान की बात है कि इतनी जल्दी ये चले गए, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ये अब लॉ ऑफ नेचर है, हम कुछ नहीं कह सकते, भगवान इनको जो मंजूर था भगवान ने वही किया, लेकिन बहुत बड़ी क्षति है जम्मू कश्मीर को और पूरे देश को। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये देवेंद्र सिंह राणा जैसे लोग जो है ना करोड़ों में पैदा होते, क्योंकि बिजनेस में इन्होंने एक्सेल किया, पॉलिटिक्स में एक्सेल किया, इंटेलेक्चुअल इतने हाई लेवल के थे, आप सोच नहीं सकते कितने हाई लेवल के इंटेलेक्चुअल थे। तो मैं, हम तो हाथ जोड़ के भगवान से कहते हैं कि इनकी आत्मा को शांति मिले, जो इनके जाने के बाद जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कभी भी नहीं हो पाती, कभी इम्पॉसिबल है उसकी उनकी भरपाई होगा। आदर्श जी, जिस तरह से दिनेश जी भी कह रहे हैं कि करोड़ों में एक ऐसा शख्स होता है जो ऐसा पैदा होता है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट पिता थे खुद इंजीनियरिंग की, लेकिन उसके बाद सियासत में चले गए, और सियासत में भी जब गए तो वहां पर भी इस तरह से जमे कि फिर कोई हिला ही नहीं पाया। लेकिन अब अगर हम थोड़ा सा सियासत से जुड़कर बात करें, अटकलें ये लग रही थी कि डिप्टी स्पीकर के पद पर इन्हें विराजमान किया जाएगा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अब जिस तरह से नगरोटा सीट भी खाली है और बीजेपी के अंदर भी आप देखिए सीटें कम ही हो गई हैं, क्या लगता है कि अब परिवार में से ही कोई रहेगा, बेटियां भी हैं, धर्मपत्नी भी हैं, अब राजनीति को लेकर किस तरह से आप देखते हैं? आपकी इस बात पे मैं यही जो समझ, मुझे नहीं लगता परिवार से कोई बाहर है, क्योंकि इस कदर बिजनेस फैलाया हुआ है
उसको देखना भी बहुत जरूरी है। लेकिन दिनेश जी की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा, जब उन्होंने बुक रिलीज की बात की है तो मैं दिवाली से एक दिन पहले ही इनको याद कर रहा था। अभी इनके मृत्यु का कुछ समाचार नहीं मिला था इस बात का, तो भी मैं इनको याद कर रहा था। मैं जम्मू न्यूज़पेपर एसोसिएशन का चेयरमैन भी हूँ और हमारी प्रॉब्लम यह हमेशा रहती है कि एक तो एडवर्टाइजमेंट नहीं हमें टाइम पे मिलती, ठीक ढंग से मिलती है, अगर मिलती भी है तो हमें पेमेंट नहीं मिलती। और हमेशा हमें पेमेंट के लिए, छोटी अखबारों की पेमेंट के लिए जब ये एडवाइजर थे तो हम इन्हीं के पास जाते थे। हम कहते थे सीएम से बात करो, हमारा त्यौहार आ रहा है, त्यौहार पे एक एक अखबार के साथ कब कब 10-10, 15-15 जो लोग जुड़े होते हैं, परिवार जुड़े होते हैं, सभी को थोड़ा कुछ चाहिए, त्यौहार मनाए, वो पैसा चाहिए, हमारी जो पेमेंट रिलीज करवा दो। तो हमेशा वो आगे कहते नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। और आज सचमुच इस दिवाली पे हमारी पेमेंट रिलीज नहीं हुई और मैं याद कर रहा था इनको। अगर रविंदर सिंह राणा से बात की होती उस वक्त गवर्नमेंट में थे जिस एडवाइजर थे तो ये भी होते तो आज मैं ये दिक्कत ना। जहाँ तक आपने डिप्टी स्पीकर की बात की, ये तो डिप्टी सीएम चाहे वो नैसी होते तो भी डिप्टी सीएम बनते, अगर यहाँ से जीत के बीजेपी अपनी सरकार बनाती तो भी डिप्टी सीएम होते। इनका रैंक पहले अपने आप एक रुतबा बहुत बड़ा है, इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं आप कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से निकल कर भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद इमीडिएट किस तरह से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का विश्वास जीता कि जो इनका हाई कमांड है उन्होंने एक हिमाचल में इनको एक बना के भेज दिया ताकि वो वहां का चुनाव जो करवा सके। तो छोटी बात नहीं है, एक छोटे से पीरियड में नई पार्टी में जाना और नई पार्टी जब इस तरह से भरोसा जताती है तो वो बहुत बड़ी बात रहती है। दिनेश जी, घर की कुछ तस्वीरें देख रही हूं मैं यहाँ पर। इस घर के अंदर जब लोग पहुंचते थे, लोग ये कहते हैं कि कुछ कुर्सियां अंदर हैं, लेकिन उसमें से एक कुर्सी खाली है जिसके पास वो फरियाद लेकर जाते थे। देखिए आशा जी, मैंने तो कोई पुराना इतिहास देखा नहीं कि कैसे पंडित प्रेमनाथ डोगरा, ठाकुर बलदेव सिंह या गिरधारी लाल डोगरा या सुलोचन राम काम करते थे, या मैंने मंगत राम शर्मा जी को काम करते हुए देखा है। और मुझे लगता है कि मंगत राम शर्मा जी के बाद जम्मू समाज, उनके तस्वीर समाज की ज्यादा जानकारी नहीं है, मंगत राम शर्मा जी के बाद कोई लीडर ऐसा जो पैदा हुआ जिसके घर, जिसका दरबार जैसा खुला रहता तो पब्लिक से मतलब ऐसी डील करता जैसे उनके गार्डियन की तरह डील करता था, वैसे देवेंद्र सिंह राणा, क्योंकि ये ऐसे डील करते थे लोगों के साथ कि आपका काम होगा, मतलब अपने ऐसे गार्डियन की तरह डील करते थे। इनकी उसका अंदाजा तो दिनेश जी वहीं से लग जाता है ना कि जब आप बड़ी बुजुर्ग महिलाओं से बात करते हैं, बुजुर्ग पुरुष से बात करते हैं, उन्हें पूछते हैं कि आप वोट डालने जा रहे हैं, किसे वोट देंगे, वो किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहे थे नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के, वो कह रहे थे राणा को वोट डालना है। आप यहीं से अंदाजा लगाइए, नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग इनके दीवाने हैं, लोग इनके दीवाने हैं, लोग इनको बहुत प्यार करते हैं। आदर्श जी एक छोटा सा कमेंट, लोग इतनी लोगों के बीच में अपना इन्फ्लुएंस बनाने के लोग इनको बहुत प्यार करते थे, बड़े जो जितने भी पॉलिटिशियन है जम्मू के। ठीक है दिनेश जी, जी आदर्श एक लास्ट कमेंट कीजिए। जी बिल्कुल दिनेश जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग जिस तरह से सुबह रो रहे थे, वर्चुअली रो रहे थे, लोग अफसोस करने आ रहे थे लेकिन वो लोग रो रहे थे, कहते हमारे हमारा साया उठ गया है, हमारा नेता हमसे चला गया, बाकी लीडर तो बहुत आते रहेंगे जाते रहेंगे। आदर्श जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, दिनेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल ये क्षति सिर्फ नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी की या फिर महज सिर्फ जम्मू कश्मीर की नहीं है, पूरे देश की है, क्योंकि लीडर तो बहुत आएंगे लेकिन देवेंद्र सिंह राणा जैसा लीडर कोई नहीं आएगा। तो जाते जाते एक बार फिर से देवेंद्र सिंह राणा को भावनी श्रद्धांजलि।